जय हिंद गाइस। सो यूजी की काउंसलिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी की आज से शुरू हो रही है, और किसको चॉइस भरना है, कैसे चॉइस भरना है, कौन कौन से कोर्स के लिए भरना है और कितना रुपीस लगेगा, क्या एडमिशन हो जाने पर जमा की फ़ीस जो आपने की है उसका क्या होगा, या एडमिशन नहीं अगर होगा आपका तो क्या होगा। सो वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, तब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, किसको चॉइस भरना है, तो यार जिसका अभी जो एक रैंक लिस्ट आई थी, ठीक है, जिसका अभी रैंक लिस्ट आई थी, उस रैंक लिस्ट में नाम है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिसका नाम है, उन सभी को यहाँ पे चॉइस भरना है। अगर चॉइस नहीं भरेंगे तो फिर आगे की जो एडमिशन की प्रोसेस है वो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि कैसे चॉइस भरना है, तो आपको लॉगिन करना है, और कैसे लॉगिन करना है वो आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना है, और फिर वहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इंटरफेरेंस, वहाँ पे आपको अपना जो सब्जेक्ट है और जो आपका मेजर माइनर वाला सब्जेक्ट है वो, और जो कॉलेज है उसका वहाँ पे आपको चांस मिलेगा भरने को, ओके। और वो कैसे भरेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा जल्द ही, जैसे ही स्टार्ट होगी काउंसलिंग वगैरह। और यहाँ बता दूँ कि कौन कौन से कोर्स के लिए भरना है, तो कौन कौन से कोर्स के लिए भरना है यहाँ पर आप बता दूँ कि पहले चरण में यहाँ पर अभ्यर्थियों को बीकॉम 4 वर्ष पाठ्यक्रम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीवोक, बीएससी एग्रीकल्चर, एलएलबी 5 इयर्स, बीएफए, बीबीए एंड बीएलएड, ये पाठ्यक्रम में आपको यहाँ पे इन कोर्सेज के लिए भरना है, ठीक है। और डेट्स की बात करें तो 22 सितंबर से 25 सितंबर तक आपको चॉइस भर सकते हैं, ठीक है। और फीस, यहाँ पे अब बात आती है कि फ़ीस कितनी लगेगी, कितना रुपीज़ लगेगा, तो आपका 200 और प्लस 500 रुपये, ठीक है, मतलब टोटल में आपका 700 रुपये यहाँ पे लगेगा। अब बात आती है कि ये जमा की गई फ़ीस वापस मिलेगी, तो अगर आपने ये फ़ीस दे दी 700 रुपये, और अगर आपको जो कॉलेज मिला तो उसमें अगर आपने एडमिशन लिया तो वहाँ पे अगर 2700 फीस है उसकी, तो ये जो 2700 में से आपकी 700 ये कट जाएगी, और अब आपको फिर 2000 फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर बाय चांस अगर एडमिशन नहीं मिला किसी कॉलेज में, कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ, तो ये जो फीस है ये आपका यहाँ पे वापस हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है ये बता दूँ कि अभ्यर्थी द्वारा दिए गए चॉइस विकल्पों में से कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं होने की दशा में अग्रिम धनराशि वापस कर दी जाएगी, और कॉलेज आवंटित होने पर अग्रिम धनराशि शेष फीस में समायोजित कर दी जाएगी, पूरी, ठीक है। सो गाइस आई होप सो ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। घबराइए मत, बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको ये 700 फीस भी वापस मिल जाएगी अगर आपका यहाँ पे कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो, और अगर हो जाता है तो आपका जो कॉलेज की फ़ीस है पर्टिकुलर उसमें आपकी वो 700 रुपये कट जाएंगे। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट न्यूज़ और सभी लेटेस्ट नोटिस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।